दुनिया की एक ऐसी लड़की जो दिखती है 80 वर्ष की बुढ़िया, जाने रुला देने वाली सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, आजकल लोग खूबसूरत दिखने के लिए क्या क्या नहीं करते। लोग बाजारों से तरह तरह की क्रीम का प्रयोग करते हैं, लोग कई तरह के घरेलू उपचार करते हैं। आज हम आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताएंगे जो 80 साल की बूढ़ी दिखती है। आइए जानते हैं इस लड़की के बारे में। इस लड़की का नाम सैदा अहमद बघेली है और ये यमन की रहने वाली है। यमन देश पिछले 2 वर्षों से गृह युद्ध का शिकार है। यहाँ के युद्धों ने आम जीवन को बहुत प्रभावित किया है। युद्ध के कारण लोग घर संसार छोड़कर भागने लगे। अभी तक यमन में मारा मारी रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सैदा पर इस युद्ध ने इतना बुरा असर डाला कि वह 18 साल की उम्र में ही हड्डियों का ढांचा बन गई। सैदा अहमद अपने परिवार के साथ राजधानी सना के पास हुदैदा गाँव में रहती थी। जब गृह युद्धों की शुरुआत हुई तो यमन में खाने पीने की दिक्कत आ गई, जिसके कारण लोगों को अपना घर परिवार छोड़कर दूसरे देशों में रहना पड़ा। ऐसे हालातों में यमन वासियों को जहां भी ठिकाना मिला वही अपनी जिंदगी शुरू कर करने लगे। यमन में खाने की किल्लत के कारण सैदा को काफी दिनों तक खाना नहीं मिला और वो बीमार पड़ गई। सैदा का परिवार इतना गरीब था जो न तो रोटी खिला पा रहा था और न ही इलाज करवा पा रहा था। बिना खाने के सैदा की हालत बहुत नाजुक थी। ऐसे में एक चैरिटेबल ट्रस्ट ने सैदा को व्हीलचेयर पर अस्पताल पहुंचाया। ट्रस्ट ने सैदा की खबर मिलते ही अल्थवारा अस्पताल में पहुंचा दिया। जब सैदा को अस्पताल पहुंचाया गया तब उसकी हालत बेहद नाजुक थी। डॉक्टरों ने बताया कि सैदा कुपोषण का शिकार हो गई है, जिसके कारण वह एक कदम भी नहीं चल सकती थी। सैदा में इतनी ताकत भी न थी कि वह भोजन भी खुद खा सके। सैदा इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसकी जुबान बैठे बैठे भी लखड़ाने लगी थी। लेकिन डॉक्टरों की दिन रात मेहनत करने के बाद अब सैदा बेहतर हो गई हैं और अब वो आम लड़कियों जैसे लगने लग गई हैं। दोस्तों, अगर आपको यह न्यूज़ अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और ऐसे ही रोचक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।